जय जगन्नाथ। मैं सुजाता, वेलकम टू माय चैनल सुजोड़ीसा। आज का रेसिपी है बॉइल्ड एग फ्राई, बहुत ही टेस्टी और यमी बनने वाला है, एंड तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मुझे आगे मोटिवेट मिले। पहले अंडा को बॉईल कर लेंगे आधा ग्लास पानी एक सीटी के साथ। अंडा उबल जाने के बाद उसको ठंडा पानी में डाल देंगे ताकि अच्छा से ठंडा हो जाए। उसके साथ साथ हम लेंगे एक बड़ा सा प्याज, उसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, और तीन मिर्ची को बीच में से काट के नमक के साथ दे के उसको साइड में रखेंगे। और फिर तवा को अच्छा से गर्म कर लेंगे और डालेंगे तेल। तेल जैसे थोड़ा सा तेल डालेंगे, बट तेल जैसे गर्म हो जाएगा उसको अंडा काटने के बाद बीच में से उसको उल्टा करके ऐसे रख देंगे, और फिर मिर्ची को बीच में से डालेंगे ताकि बीच में तेल रह जाए। गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आप इजीली आपका सुबह का ब्रेकफास्ट और इवनिंग का स्नैक्स बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, और आप इजीली कैरी कर सकते हैं लंच बॉक्स में भी। हमारा अंडा अभी फ्राई हो चुका है, उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर डालेंगे छोटे छोटे पीस में कटा हुआ प्याज, और उसको थोड़ा सा नमक दे के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बट फ्राई करने का वक्त आपको बहुत ही हल्का से फ्राई करना है और लो फ्लेम में। अगर अंडा में आप नमक नहीं दिए हैं अभी, ऊपर से ब्लैक सॉल्ट और ऐसे ही सादा नमक आपको ऊपर से ऐसे थोड़ा से दे देना है। तो गाइस, फाइनली हमारा बॉइल्ड एग फ्राई रेडी है। आप देख सकते हैं प्याज बहुत ही ज़्यादा फ्राई नहीं किया गया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और अंडा भी बहुत हल्का से हम फ्राई किए हैं। अभी ऐसे ज़रूर ट्रिक फॉलो करें, और इसके साथ साथ मिर्ची हम जिस तरह से फ्राई किए अभी वैसे ही कीजिए, आपको ज़रूर बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा मुझे कमेंट में बताना ना भूले। अगर मेरा ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ।